न्यू वीडियो और कोयम्बतूर से आप सभी का स्वागत है, मैं सभी का स्वागत है। और अब हम आए हैं रेंटल बाइक लेने, क्योंकि घूमने के लिए कुछ तो चाहिए, ऐसे तो घूम नहीं सकते। तो देखते हैं कौन कौन से इनके पास बाइक अवेलेबल है, आकाश को दिखाते हैं वो किस पोजीशन में है। मैं भी हूँ बट मैं अपने आप को नहीं दिखाऊँगा, उसको दिखाते हैं। तो ये एवेंजर अवेलेबल है, वो रॉयल एनफील्ड अवेलेबल है, ये अवेलेबल है एंड उधर की कुछ बाइक्स अवेलेबल है जैसे वो स्कूटी। अब देखते हैं कौन से हम लेते हैं। यहाँ पे भाई अपना नेगोशिएशन में लगा हुआ है, कौन से बाइक लेंगे और कौन से कितने में लेंगे। और इसी हालत में हम लोग चले आए हैं। अभी हम लोग बस जगे थे और हम लोग कहे पहले चलते हैं बाइक ले लेते हैं, फिर आगे कुछ काम करते हैं। तो ये दो बाइक फाइनल हुई हैं। बाइक मतलब एक बाइक एवेंजर 160 स्ट्रीट 150 है, ओके 150 है, एंड सेकंड इज आकाश का जिसमें स्कूटी चलाऊँ। क्यों मज़ा आएगी स्कूटी पे, लगेज पैसा है ना यहाँ पे। हाँ लगेज। और ये पता है इसमें क्या हो रहा है, अभी स्ट्रीट कर रहा हूँ मैं, पहले अपने आप ऐसे गियर चेंज कर रहा हूँ। ये स्कूटी पे भाई साहब गियर चेंज करेंगे। तो ये दोनों फाइनल हो गई, अब हम निकलेंगे थोड़ा नहा के और कुछ नाश्ता करके। कहाँ निकलेंगे भाई? अभी कौन सा मंदिर था? अरे नाम भूल गया मैं। ले नाम ही भूल गया। वी विल अपडेट, वी विल अपडेट। याद नहीं आया, गूगल किया है बट क्या है? गूगल नहीं किया, स्क्रीनशॉट लेके रखा था मैंने। स्क्रीनशॉट ले रखा है। कौन सा? मधुमलाई। मधुमलाई मंदिर जाएंगे हम लोग। मधुमलाई हम लोग यहाँ मंदिर जाने आए हैं। हिल टेंपल है, दो टाइम बाद जाएंगे। आदि होगी, आदि होगी, मामला सेट है। चलिए निकलते हैं। तो हम लोग निकलने के लिए रेडी हो गए हैं। ये अपनी फैसिनों पे, मेरी गाड़ी भी रेडी है। अब ये ले जाने का मन था बट वो देने को तैयार नहीं है जिसकी गाड़ी है, इसलिए इसको नहीं ले जा रहा है फिलहाल। बट ये दो गाड़ियाँ हैं, लेट्स गो। पहली बार मोटो ब्लॉक कर रहा हूँ, कोई बुरा नहीं मानेगा। तो यहाँ हम निकल चुके हैं। पहले इसमें पेट्रोल नहीं है जो कि लेने जाना पड़ेगा। हम लोग यहीं से आए थे और ये देखिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ट्रेन चल रही है एंड हम लोग नीचे से जा रहे हैं। एक छोटू सा लग रहा है, हम लोग ब्रेक लेंगे फॉर नारियल पानी। क्या हुआ? हाँ चल, कहाँ मिलेगा, चल पीछे चलते हैं, आ जा। नारियल पानी पीने की थोड़ी देर के लिए उतरे हैं, अब यहाँ से फिर निकलते हैं। कोई नेविगेशन प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि दोनों फ़ोन होल्डर है नहीं, तो आ रही प्रॉब्लम, देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकालते हैं उसका। हमको उस मंदिर में जाना है, वो सामने जो दिख रहा है ना उसमें जाना है। अब चलते हैं, स्ट्रेट रोड है, बहुत अच्छी रोड है, वो देखिए आपको पहाड़ दिखेंगे और हमको सामने वाले मंदिर में जाना है। तो हम यहाँ पे पहाड़ चढ़ रहे हैं, बाइक से ही वो जाना है मंदिर पे ऊपर। मंदिर कहाँ अभी दिख नहीं रहा है, दिखाते हैं ऊपर चल कर। यहाँ ऊपर आ गए हैं और भाई निकल गया आगे, तो कोयम्बतूर पूरा दिख रहा है यहाँ से। हम ऊपर हैं और कोयम्बतूर नीचे है अपने, चलते हैं आगे मंदिर तक। तो यहाँ मंदिर पहुँच गए हैं भाई के साथ, भाई आएगा, भाई अभी शुरू करेगा अपना ब्लॉगिंग। अभी उसने शुरू नहीं किया, निकाला है जस्ट कैमरा, निकाला है। अबे काला बादल आ गया, पता चला आदि होगी, पौधे पौधे बारिश हो गया। चश्मा पहन लिया, अभी मेरा टिक टैक गिर गया, टिक टैक का नुकसान, पता नहीं कहाँ गिरा, जेब में गिरा, जेब में गिरा, ठीक है बचा है जेब में। तो ये मंदिर है, ऐसे मत कर, ओ सॉरी, फिर गिर गया। ये रहा मंदिर, सुंदर है।
एंड हम लोग जो आए हैं वहाँ नीचे से आए हैं वो अभी रास्ते में वापस फिर से दिखाएंगे। सिटी दिख रहा है, सिटी दिख रहा है बट कैमरे में मैं भी ना दिख रहा हो, तो जूम करेंगे बाद में इसको। वहाँ सिटी दिख रहा है। अब भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा पहाड़ों पे चला के? वैसे तो तूने लद्दाख में चला रखी है तो ये कुछ नहीं है। हाँ, स्कूटी पहली बार चलाई भाई ने। हम दोनों गाड़ी यहीं पे खड़ी है तो चलते हैं अंदर। चलें, रेडी गो। भाई बाय बाय। तो कोयम्बतूर ट्रैवल करना हम शुरू कर चुके हैं। मतलब आजकल ऐसा हो रहा है ना, मैं हर जगह पहुंच रहा हूँ बट बाइक से नहीं पहुंच रहा हूँ। या फिर टेक्निकली दो पहिए पे आया है बट बाइक नहीं है वो। अपने बाइक नहीं। और हर बार ना तो मिस करता शुरू में इसको, भाई लेके आता है मजा आ जाता है अपनी वाली बाइक को। ठीक है, इतना दूर आके क्या मतलब। कार लेकर आएंगे। हाँ, मैं नहीं रहूँगा भले, भाई लेकर आएगा अपना कार। सभी रहेंगे। टिकट महंगा पड़ रहा है और छुट्टी भी नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, अभी इलाहाबाद आएगा। इनवाइट कर दिया, गाड़ी लेके आएंगे। गाड़ी लेके इलाहाबाद आएगा। दर्शन हो गया है, ऐसा कुछ टीका लगा लिया पंडित जी ने आके। और अब चल रहे हैं आदि योगी, वहाँ पे लाइट शो तक पहुँच जाएंगे तो लाइट शो देखने को मिलेगा। क्यों, लाइट शो तक पहुँच जाएंगे ना? हाँ पहुँच जाएंगे। चलो चलो, यहाँ से टाइम से निकलें, लाइट शो तक पहुँच जाएंगे हम लोग। हम लोग को ऐसे होते हुए घूमते हुए उधर से होते हुए नीचे जाना है, वहाँ हमारी बाइक पड़ी है, चलते हैं। तो हम लोग वहाँ से उतर के नीचे आए हैं बट अब उधर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी चप्पल वहाँ पे है। और भाई साहब अपनी कलाकारी दिखाते हुए, कलाकारी भाई मेरा नाम है, दिखाता हूँ। ओ वाह, नहीं दिख रहा है फोटो, नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा था बट इन्होंने हटा लिया। हाँ, मैं भी एक ऐसी फ़ोटो खींचता हूँ इसकी, ऐसे दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बट बहुत मस्त मौसम हुआ है। मैं भी आदि योगी के पास जाते जाते बारिश हो दिखे, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं नीचे उतर गया हूँ, भाई का वेट कर रहा हूँ। ये देखो, ये भाई आ रहा हमारे दम हीरो की तरह। यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा सा कुछ सामान देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कॉलेज देख के तो मन करता है कि मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर दूँ। कितना गजब जगह पर कॉलेज है, एकदम सामने पहाड़ियाँ हैं और ये कॉलेज यहाँ पे है। इसको मौसम बहुत बढ़िया हो गया अभी ड्राइव करने के लिए। ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, बादल हो गया है। गर्मी यहाँ पर बहुत कम है, बहुत गर्मी नहीं लग रही है। यही सही टाइम है यहाँ घूमने आने का, जैसा कि मुझे आकाश ने बता रखा है, चोला वर्मा जी ने। कितनी ब्यूटीफुल रोड्स हैं यहाँ पे, मजा आ रही है यहाँ गाड़ी चलाने में। और अगर बहुत तेज है, विंड नॉइज आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका डॉक्टर नहीं दिया गया है मुझे, बस ये कैमरा थमा दिया गया है। बट इस मौसम में ये रोड और इतनी ग्रीनरी साउथ में ही मिल सकती है, उधर तो मुमकिन नहीं है। क्लाउड भी एक साथ हो रहे हैं, अभी दूर है, आई थिंक 800 किलोमीटर और है बस। कितना सुंदर लग रहा है, वो पहाड़ पे के आगे बादल है, मतलब पहाड़ बादलों के अंदर है। पता नहीं कैमरा फिर दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा है बट ऐसा ही है। वो उधर सीन देखिए,